एक्ट्रेस शरण मल्होत्रा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है, जो उन्हें टीवी पर देखने के लिए काफी बेताब नजर आते हैं और उनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक होती है। लेकिन किन शोज ने बनाया शरद को सुपरस्टार, ये आज हम आपको इन वीडियोस में बताते हैं। पहला शो, बनू मैं तेरी दुल्हन। शरद ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था साल 2004 में जी टीवी के शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज से बतौर कंटेस्टेंट, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में चमकने का मौका मिला था साल 2006 में शो बनू मैं तेरी दुल्हन से। इस शो में शरद ने सागर प्रताप सिंह का किरदार निभाया था। जी टीवी पर आने वाले इस शो में शरद ने 3 साल तक काम किया था और यहीं से उनकी बुलंदियों के सितारे चमकने शुरू हो चुके थे। दूसरा शो, भारत का वीर पुत्र। बनू मैं तेरी दुल्हन शो को करने के बाद 5 साल बाद शरद ने सोनी टीवी का शो भारत का वीर पुत्र साइन किया, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप का किरदार निभाया था। रिपोर्ट्स की माने तो शरद ने इस शो के लिए घुड़सवारी और तलवारबाजी तक सीखी थी ताकि वो अपने किरदार को जस्टिफाई कर सके। हालांकि ये शो महज 1 साल ही चल पाया था, लेकिन शरद ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था उससे वो काफी छा गए। तीसरा शो, कसम तेरे प्यार की। शरद ने अपने करियर की शुरुआत में बेहद चुनिंदा और बेहतरीन शोज किए, फिर चाहे उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार ही क्यों ना करना पड़ा हो। साल 2015 में जब भारत का वीर पुत्र खत्म हुआ तो इसके ठीक 1 साल बाद शरद ने कसम तेरे प्यार की को साइन किया, जिसमें उन्होंने ऋषि सिंह बेदी का किरदार निभाया था। शो लोगों को बेहद ही पसंद आया था और 2018 तक कलर्स पर सक्सेसफुली चला भी था। चौथा शो, मुस्कान। कसम तेरे प्यार की शो को करने के बाद शरद ने बीच में छोटे मोटे कई शोज में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन साल 2018 में उन्होंने मुस्कान शो भी साइन किया। इस शो में वो रौनक सिंह के किरदार में नजर आए थे। 2 साल इस शो में काम करने के बाद शरद की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ भी चुकी थी, लेकिन उनकी किस्मत को एक बार फिर से चमकाया शो नागिन 5 ने। जी हां, शरद नागिन से पहले चॉकलेटी बॉय जैसे किरदार ही निभाते आए थे, लेकिन नागिन में उनका किरदार वीर अब तक के सभी किरदारों से बेहद ही हटकर था। ग्रे शेड में शरद को उनके फैंस शो के शुरू होने से पहले ही काफी बेताब थे। हालांकि नागिन 5 को साइन करने से पहले शरद थोड़ा घबराए भी थे कि कहीं उन्हें उनके फैंस इस किरदार में एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। लेकिन शरद ने अपने किरदार को ऐसा निभाया कि वो आज इंडस्ट्री के नंबर स्टार की गिनती में आ चुके हैं। इस शो में शुरुआत में उनका किरदार नेगेटिव था, लेकिन जिस तरह से इस शो में उनके किरदार में बदलाव आया उससे वो लोगों के दिलों में उतर आए और बन गए हीरो नंबर 1।